फार्मा वाडियो चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला था उसमें आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे उसके ऊपर है आज का वीडियो। तो पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हम डिटेल्स में बात किए थे किस तरीके से आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा पोस्ट है, क्या कुछ एज लिमिट है, कितना तारीख तक अप्लाई कर पाएंगे, सब कुछ डिटेल्स में बात किए थे। तो आपने पिछले वाले वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो जरूर जाके चेकआउट कर लीजिए। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसके जरिए आप पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के बाद इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम डिटेल्स में बात किए हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा वो है NFL का ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसके लिए आपको nationalfertilizer.com पर जाना है। उसके बाद करियर का सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट इन NFL जो है उसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पाँच वाली जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है वहाँ पर व्यू करके रजिस्ट्रेशन ओपन करके दिखा रहा होगा आपको, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज पर आप आ जाएंगे एंड यहाँ से आपको फार्मासिस्ट वाले जो सेक्शन है उसमें आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन के नाम डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका फोन नंबर डालना है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद कैप्चर पुट करके जेंट ओटीपी करके आपका यहाँ पर लॉगिन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर फास्ट जेनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जेनरेट ओटीपी आने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो आप आपका मन मर्जी यहाँ पर पासवर्ड चूज करते हैं, बट यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है उसको आपको फॉलो करके यहाँ पर पासवर्ड को चूज करना है। उसके बाद रजिस्टर बटन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है एंड जो आपका ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर आपका जो एप्लीकेशन आईडी मतलब यूजर आईडी जो होगा एंड उसका जो पासवर्ड होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। तो उसके जरिए आपको फर्दर लॉगिन करके फर्दर प्रोसेस करना है। तो चलिए हम भी लॉगिन कर लेते हैं, आप भी लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करके फर्दर प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज पर अब आ जाएंगे। यहाँ पर आपका जो यूज़र आईडी है, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको पोस्ट को चूज करना है। चूज करने के बाद अप्लाई बटन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन आएगा। इंस्ट्रक्शन का अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन बटन है उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्दर प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपको फास्ट आपको पूछा जाएगा पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद अदर्स कुछ डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन का डिटेल्स, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स, उसके बाद डिक्लेरेशन एंड उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके फिल कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ही पूछा गया है व्हिच यूनिट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कौन सा यूनिट पर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जहाँ पर आपको पोस्ट अच्छा लगे, जहाँ पर आप करना चाहते हैं, तो उस वाले सेक्शन को यहाँ पर यूनिट को चूज करना है। चूज करने के बाद उसी के अंदर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी है उसी के अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, आपका फादर्स का नेम, जेंडर, कैटेगोरी अप्लाई फॉर कौन सा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेट क्या है आपका, आप एक सर्विसमैन है कि नहीं है, उसके बाद आपका सर्विसिंग ऑफिसर आर्म फोर्स में है कि नहीं है, आपका पर्सन विथ डिसेबिलिटी कुछ है कि नहीं है, मतलब PW है कि नहीं है, उसके बाद जम्मू कश्मीर आप लिविंग करते थे कि नहीं, इस तरह का कुछ पूछा जाएगा, बेसिक कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल कोई कैंडिडेट है कि नहीं है NFL के अंदर, इस तरह का कुछ, जैसे कि आप एक फॉर्म फिलअप करने के लिए लगता है, हर एक डिटेल्स को लगता है, उसी तरीके से अच्छे से फिल करके यहाँ पर जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर जाने के बाद यहाँ का सेव एंड नेक्स्ट करके आपका अदर्स डिटेल्स में जाना होगा। तो चलिए अदर्स डिटेल्स में चले जाते हैं। अदर्स डिटेल में जाने के बाद कुछ इस तरह का पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मदर्स का नेम, मैरिटल स्टेटस क्या है, नेशनलिटी क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड कौन सा देना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका नंबर, रिलीजन क्या है आपका, उसके बाद कोई माइनॉरिटी का बिलोंग करते कि नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है आपका, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, उसके बाद डालने के बाद सेवन नेक्स्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी को चूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम सिटी कोलकाता चूज़ कर लिया, तो सेकेंड वाले जो है तो भुवनेश्वर, जैसे कि मैंने भुवनेश्वर चूज किया है, इस तरह का आप भी आपका जो एग्जाम सिटी है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो चूज करने के बाद यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा बात है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल्स में जाना है। तो चलिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स में चले जाते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका बी फार्म नहीं तो डी फार्म कोई कुछ भी रहेगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर आप कौन सा इंस्टीट्यूशन पास किए हैं, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किए वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद नेचर ऑफ द कोर्स, मतलब फुल टाइम है क्या पार्ट टाइम है वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद ड्यूरेशन क्या है, मतलब 2 ईयर का है डिप्लोमा तो 2 ईयर, और 4 ईयर का है बी फार्म तो 4 ईयर डालना है। उसके बाद एवरेज एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स कितना है, इसको आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके यहाँ पर डालना है कौन सा कितना परसेंटेज हो रहा है। एंड डेट ऑफ द पासिंग मार्क्स आपको सर्टिफिकेट में दिख रहा होगा, नहीं तो आपका जो फाइनल मार्क्सशीट आता है, जैसे कि
फोर्थ सेम मतलब 8th सेम का जो मार्कशीट आता है, और यहाँ पर 4th सेम का डिफॉर्म के लिए 4th सेम का जो मार्कशीट आता है उसमें लिखा होगा, उसमें आपको डालना है उस वाले डेट को। यहाँ पर क्लास 10 एंड क्लास 12 को यहाँ पर आपको डालना है कौन सा सब्जेक्ट में किए हो, वो भी डालना है। यहाँ पर बोर्ड कौन सा है, यहाँ पर नेचर ऑफ द कोर्स क्या है, मतलब पार्ट टाइम है फुल टाइम है, वो डालना है। ड्यूरेशन कोर्स क्या है, एग्रीगेशन ऑफ द मार्क्स क्या है, मतलब कौन सा परसेंटेज क्या है, डेट ऑफ द पासिंग, वो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं तो आपका रिजल्ट में दिख रहा होगा तो वो ही यहाँ पर डालना है। डालने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके फर्दर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आएगा, जो यहाँ पर क्लास 10 का जो है वो ड्यूरेशन क्या डालना है। देखिए क्लास 10 जो है वो उसका ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर 9 से स्टार्ट होता है हमारा जो SSC बोर्ड, उसका SSC क्लास 10 का जो बोर्ड है वो 9 से स्टार्ट होता है, उसका सिलेबस जो है वो 9 से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए आप 2 ईयर्स डाल सकते हैं, नहीं तो 1 ईयर्स भी डाल सकते हैं सिर्फ क्लास 10 का ही, तो ये आपका मर्जी है डालने का। तो यहाँ पर सब एजुकेशन डिटेल्स डालने के बाद जो नेक्स्ट वाला सेक्शन आता है वो है एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स, मतलब कौन सा कहाँ पर आप काम करते हो। तो यहाँ पर आप देख मेंशन करके दिया गया है, यहाँ पर जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो कारेंट जॉब से स्टार्ट होकर फर्स्ट जॉब तक जाना है, मतलब आप अभी कहाँ पर काम करो उस वहाँ से स्टार्ट करना है, एंड उसके पहले कहाँ पर काम करते थे वो वाला डालना है, उसके पहले क्या करते थे वहाँ से, मतलब यहाँ पर जो कारेंट से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाने वाला है। और यहाँ पर आपका डेट वाइज आपका यहाँ पर जो डालने के बाद सारा जहाँ पर भी काम किए हो सारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालने के बाद यहाँ पर आता है आपका CTC, मतलब क्या पे स्केल क्या रहता है, मतलब टू ईयर आपका पे स्केल क्या रहेगा, ये क्या रह चुका है वो यहाँ पर डालना है। डालने के बाद वो कैलकुलेट करना है, एंड यहाँ पर कितने दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर सर्टिफाइड है आपका, FIR है कि नहीं है आपके नाम पर, आपका ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट कोई भी पनिशमेंट आपका यहाँ पर आ चुका है कि नहीं वो इसको मैंने डालना है। यस है तो आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं है, और नो है मतलब आप यहाँ पर पनिशमेंट पा चुके हैं तो किसके रीजन से पा चुके हैं वो यहाँ पर डालना है। तो इसको अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पर यस एंड नो डालना है, एंड देखिएगा मैंने यहाँ पर नो डाल चुके थे क्योंकि यहाँ पर नो FIR हैज़ बीन फील्ड करके लिखा है, मतलब नो ऑलरेडी बोल चुका है, तो यहाँ पर यस डालना है आपको। यहाँ पर नो डालेंगे तो मतलब आपके ऊपर FIR हो चुका है, तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपका सेव एंड नेक्स्ट करना है, एंड फर्दर प्रोसेस में जाना है। फर्दर प्रोसेस में क्या आएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। तो यहाँ पर क्या कुछ अपलोड करना है, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट, आपका BPharm का सर्टिफिकेट, आपका BPharm का मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट काउंसिलिंग मतलब काउंसिल स्टेट का फार्मेसी काउंसिल का सर्टिफिकेट, क्लास 10 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट मार्च करके डालना है, क्लास 12 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट मार्च करके डालना है, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट डालना है, एंड ऑल द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जो है सब कुछ यहाँ पर डालना है, SC ST OBC कुछ भी का सर्टिफिकेट रहता है तो उसको डालना है, परसेंटेज जो है आपका जो CGPA DGPA जो भी है उसको आप कैसे कन्वर्ट करके यहाँ पर परसेंट में लाया है, उसका मार्क्स कन्वर्शन शीट तैयार करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आप फाइल को अपलोड करेंगे वो 20 KB से स्टार्ट होकर 150 KB तक आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे, तभी यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। तो आप इसको अच्छे से चेकआउट करके यहाँ पर धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिएगा, एंड अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन में जाना है आपको। तो सब कुछ हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म जनरेट होकर आएगा, बट ये जो फॉर्म है फाइनल सबमिट का फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए इस फॉर्म को आपको अच्छे से चेकआउट करना है। सब कुछ यहाँ पर करेक्ट रहेगा, सब कुछ जो जो इन्फॉर्मेशन डाला है वो अच्छे से करेक्ट रहेगा तब भी आप इसको फाइनल सबमिट कीजिए, नहीं तो एक बार सबमिट हो जाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, और यहाँ पर जो भी गलत इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे वो ही आपको शो करना पड़ेगा जब आप यहाँ पर सिलेक्शन होंगे, एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पूछा जाएगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, एंड चेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखिए प्लेस डालना है, यहाँ पर लास्ट में प्लेस डालना है, प्लेस को डाल लीजिएगा, एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन जो बटन है उसमें आपको चेकआउट करने के बाद यहाँ पर सेव एप्लीकेशन करना है। सेव एप्लीकेशन जब भी करेंगे तब भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाने के बाद यहाँ पर एक्शन में जो है एक्शन में आने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे आपका डाउनलोड जो एप्लीकेशन है वो ऐसे इस तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा करते आज का जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव रहा, इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फार्मा टेक्निक जॉब अपडेट, फार्मा टेक्निक नोटिफिकेशन अपडेट, फार्मा टेक्निक कैरियर गाइडेंस पाने के लिए फार्मा हाउस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली अवेल करने के लिए जरूर हब हमारा जो फार्मावर्स का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और आपका पास टेलीग्राम नहीं रहेगा तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको फार्मावर्स का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो
तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विद फार्मा आवर्स। फार्मा के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद। और इस वीडियो रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी रहता है, कुछ भी जानने का प्रयास करते हैं, तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। एंड आपका कुछ भी वीडियो का डिमांड रहता है, मतलब कुछ भी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का ऊपर बेस करके नेक्स्ट वीडियो हम लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक कंप्लीट करने के लिए।